हेलो एवरीवन, 300 प्लस प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में अपना 27 प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम लोग दो नंबर को कंपेयर कर रहे होंगे। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है, आप लोगों को लग रहा होगा ये प्रोग्राम में क्यों बता रहा हूँ, लेकिन इसमें हम लोग कर क्या रहे होंगे, इसमें हम लोग प्रोग्राम की फॉर्मेटिंग को ध्यान में रख रहे होंगे, किस तरह से अच्छी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किस तरह से आउटपुट हम लोग को अच्छा मिल सकता है, ये सब हम लोग इस प्रोग्राम में देख रहे होंगे। प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट तो काफ़ी सिंपल रहने वाला है, आप लोग जानते ही हो, अगर दो नंबर दे रखा है तो उसमें या तो इक्वल होगा दोनों नंबर, या तो एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा, या तो एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, यही तीन केस हो सकता है, तो यही तीन केस हम लोग करेंगे भी, लेकिन अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ यूज़र को कैसे आउटपुट दे रहे होंगे यो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ड्राई रन कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ इसमें होगा क्या। इसमें हम लोग मेनली तीन कंडीशन यूज़ कर रहे होंगे, या दो कंडीशन में काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर वन जो है, नम वन इज इक्वल टू नम टू, मतलब नंबर वन इक्वल टू नंबर टू, नंबर वन नंबर टू के इक्वल होगा, तो हम लोग यहाँ अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ प्रिंट करा रहे होंगे कि नंबर वन नंबर टू के इक्वल है। ठीक है, अदरवाइज else if एक और कंडीशन चेक करेंगे, क्या नम वन ग्रेटर देन है नम टू के, नम वन ग्रेटर देन है नम टू के, अगर ऐसा होगा तो हम लोग प्रिंट करा देंगे अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ। else डेफिनेटली अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो डेफिनेटली दूसरा नंबर, पहला नंबर क्या होगा, दूसरे नंबर से छोटा ही होगा, क्योंकि इक्वल नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा ही होगा, कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहो तो लगा भी सकते हो, लेकिन यहाँ सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक नंबर इक्वल नहीं है, बड़ा नहीं है, तो छोटा ही होगा दूसरे नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे VS Code पे जाके देखते हैं, ज़्यादा बेटर है, इसमें कोई ड्राई रन करने की जरूरत है नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है इसमें ड्राई रन करने की, हम लोग सीधा VS Code पे चलते हैं और प्रोग्राम लिख के देखते हैं अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ कैसे लिख रहे होंगे। फॉर्मेटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल वाइज तो इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट देखना है, फॉर्मेटिंग वगैरह में ध्यान नहीं है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को, लेकिन अगर अच्छी फॉर्मेटिंग चाहिए, आउटपुट हम लोग अच्छे से कैसे शो करा सकते हैं, वो इसमें आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं VS Code ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल N से हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल N से नया फाइल बना लेंगे और कंट्रोल S से यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे, और प्रोग्राम अपना 27 है तो प्रोग्राम 27.c सेव कर देंगे, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अपना प्रोग्राम का नाम लिख लेते हैं कमेंट के साथ, और इसमें पूरा कमेंट के साथ लिख रहे होंगे ताकि अच्छे से समझ में आए, हालांकि हम लोग हमेशा हर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं लिखने की, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से लिख रहे होंगे, इसमें मेनली मैं लिखना ही सिखा रहा हूँगा। प्रोग्राम 27 में क्या करना है, हम लोगों को कंपेयर करना है, कंपेयर टू नंबर्स यूजिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट ही लगा रहे होंगे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, सबसे पहले हम लोग अपना हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ कैपिटल H लिख दिया stdio.h, और फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं इंट मेन, और फिर अपना कोड लिख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो नंबर यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे, उसके लिए हम लोग दो वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पे, इंट नम वन कॉमा नम टू, नम वन नम टू मतलब नंबर वन नंबर टू, शॉर्ट में मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग ABCD भी ले सकते हो, मतलब AB भी ले सकते हो, क्योंकि दो ही वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना है, तो नम वन नम टू, और प्रिंट एफ से हम लोग एक बार में ही दोनों नंबर ले रहे होंगे, इंटर टू नंबर्स हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इंटर टू नंबर्स। ठीक है, और एक बार में ही यूज़र से दोनों नंबर इनपुट ले रहे होंगे, और यहाँ पे फिर हम लोग स्कैन एफ से इनपुट ले लेते हैं, स्कैन एफ और %d आप लोगों को ये पता ही होगा, या आप लोग इंटीजर डेटा टाइप के देगा फ्लोट भी ले सकते हो, मैं जैसे इंटीजर में बता रहा हूँ आप लोग फ्लोट में भी ले सकते हो, परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर %d की जगह %f कर देना है बस। ठीक है, और फिर यहाँ कॉमा देके m% num1 में स्टोर करा लेंगे और m% num2 में स्टोर करा लेंगे, मतलब नंबर और नम2 के एड्रेस पे भेज देंगे, ये सब तो आप लोग डेफिनेटली जान गए होंगे। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने लाइन में क्या किया, यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने डिक्लेयर किया, कमेंट अच्छे से लिख देते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने डिक्लेयर किया। ठीक है, और डिक्लेयर और कंट्रोल स्लैश से आप लोगों को पता है ये कमेंट हो जाता है, कंट्रोल स्लैश, और एक मिनट ये क्या हो रहा है कीबोर्ड में शायद कुछ, कंट्रोल एंड स्लैश, देखो ये कमेंट हो गया, और फिर उसके बाद इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इनपुट फ्रॉम यूज़र। ठीक है, अच्छे से लिखेंगे इनपुट फ्रॉम यूज़र, अब ये इनपुट फ्रॉम यूज़र ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना कोड रन करा रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, दो नंबर इक्वल है या नहीं, चेक इफ़ टू नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ नम वन इक्वल टू नम टू, और डेफिनेटली दो इक्वल टू का साइन लगाना है, अदरवाइज वो असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह यूज़ होता है, मैंने बता रखा है, तो इक्वल टू नम टू, अगर नम वन नम टू के इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट एफ करा देंगे, और प्रिंट एफ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से कराएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे %d इज़ इक्वल टू %d। ठीक है, इज़ इक्वल टू
परसेंट डी, और यहाँ पे लिख देंगे नम वन कॉमा नम टू। तो सबसे पहला जो यहाँ पे है परसेंट डी, उसके जगह पे तो नम वन आ जाएगा, और दूसरा जो परसेंट डी है उसके जगह पे नम टू आ जाएगा। तो कुछ ऐसा प्रिंट होगा कि नंबर वन इज इक्वल टू नंबर टू, अगर होगा तो नम वन इक्वल टू नम टू होगा तो ऐसा प्रिंट होगा। और जब प्रिंट कराएंगे तो आप लोगों को पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोग देखो, फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे चेक इफ़, और इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान में देना, चेक इफ़ टू नंबर्स, चेक इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकेंड, फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे else if, और else में ना हम लोग कंडीशन नहीं डाल सकते हैं, अगर कंडीशन डालना है तो डेफिनेटली else if ही लिखना पड़ेगा। else if, if सबसे पहले लिखेंगे, फिर else if, else if, else if, else if, अगर कंडीशन डालते जाना है तो, ठीक है। num1 is greater than num2, अगर num1 num2 से बड़ा हुआ, अगर num1 num2 से बड़ा हुआ तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग printf करा देंगे, printf परसेंट डी इज़ ग्रेटर देन परसेंट डी, और डेफिनेटली सबसे पहला परसेंट डी के जगह पे नम वन, और फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए, पहले वाले परसेंट डी के जगह पे क्या आना चाहिए नम वन, दूसरे वाले के जगह पे क्या आना चाहिए नम टू, और सीक्वेंस में लिखना है, मतलब जहाँ पे जो चाहिए वहाँ पे वही लिखना। और यहाँ पे मैंने टू नहीं लिखा है तो टू मैं लिख देता हूँ, अब देखो सही है। अदरवाइज़ अगर ये इक्वल भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, तो डेफिनेटली छोटा ही होगा। तो यहाँ पे एल्स कोई और कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिंपल लिखेंगे प्रिंट एफ एंड परसेंट डी इज़ लेस देन परसेंट डी, और यहाँ पे num1 कॉमा num2, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख देंगे, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे अपना सेमी कॉलन, और फिर लास्ट में लिख देंगे रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो। तो ये हो गई अपनी फॉर्मेटिंग अच्छे से, और इस तरह से हम लोग अपना कोड लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर, फिर इनपुट किया दो नंबर, इनपुट करने के बाद चेक किया दो नंबर इक्वल है या नहीं, अगर दो नंबर इक्वल होगा तो हम लोग यहाँ नम वन इक्वल टू नम टू प्रिंट करा देंगे, और अगर यहाँ पे छोटा होगा मतलब बड़ा होगा तो यहाँ पे बड़ा प्रिंट करा देंगे, अदरवाइज़ अगर बड़ा भी नहीं है इक्वल भी नहीं है तो छोटा ही होगा तो यहाँ पे छोटा प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ कैसे रहा होगा अपना कोड, और यहाँ पे मैंने बैक स्लैश एन क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही प्रिंट होगा, डेफिनेटली तीनों में से कोई एक ही प्रिंट होगा। अगर मान लो तीनों प्रिंट हो रहा होता तो मैंने बैक स्लैश एन दे रखा होता, लेकिन यहाँ पे तीनों में से कोई एक ही प्रिंट हो रहा है। हालांकि आप लोग आदत डाल लो बैक स्लैश एन देने की, लेकिन मुझे माइंड में फील हो जाता है कि यहाँ पे बैक स्लैश एन की ज़रूरत नहीं है या यहाँ पे है, तो यहाँ पे तीनों में से कोई एक ही प्रिंट हो रहा होगा तो बैक स्लैश एन की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहो तो डाल भी सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एंड बैक क्योट से रन करा लेंगे, या आप लोग टर्मिनल पे जाके इससे भी रन करा सकते हो कंट्रोल शिफ्ट एंड बैक क्योट। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, GCC अपने प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम 27.c, इंटर करेंगे .a.exe, कंपाइल करके अपना एग्जीक्यूट कराएंगे, और फिर इंटर टू नंबर्स, तो मैं डालता हूँ 55 एंड दूसरा डालता हूँ 56। तो 55 क्या है, 56 से छोटा है, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, देखो 55 इज़ लेस देन 56। एक बार हम लोग डालते हैं 55 56, तो डाला, अब हम लोग डाल के देखते हैं 56 एंड 55, तो यहाँ पे देखो 56 ग्रेटर देन 55। उसके बाद दोनों नंबर इक्वल डाल के देखते हैं 55 एंड 55, तो देखो 55 इज इक्वल टू 55। तो इस तरह से आ रहा है, इस तरह से हम लोग कंपेयर करने वाला प्रोग्राम बना सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट था मैं जानता हूँ, लेकिन प्रोग्राम में फॉर्मेटिंग कैसे करनी है वो आप लोग डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ सीखे ही होंगे। और फिर अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, और मैंने पहले ही बताया 50 प्रोग्राम तक हम लोग काफ़ी बेसिक कर रहे होंगे, उसके बाद कैलकुलेटर, सॉर्टिंग, जब टू डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वगैरह थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है, लेकिन मैं उसमें भी अच्छे से बताऊँगा, तो आप लोग डेफिनेटली फॉलो करना इस प्लेलिस्ट को। और फिर अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए